डायनासोर हमारी धरती पर कहां से आए? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 23 करोड़ 70 लाख साल पुराना गड़ा रहस्य। और दूसरी दुनिया से आया था डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड। वेलकम बैक। वैज्ञानिकों को ऐसे डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं जो 245 मिलियन साल पहले इस धरती पर रहा करते थे। ये दुनिया का पहला डायनासोर माना जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जीवाश्म डायनासोर के उद्भव के बारे में अहम जानकारी दे सकता है। इस प्रजाति के डायनासोर का नाम गोंडवाना पेरिसेंसिस रखा गया। ये आकार में छोटे कुत्ते के समान हुआ करते थे। इनकी लंबी पूंछ थी। इनके फॉसिल्स 1 मीटर लंबे थे और वजन लगभग 3 से 6 किलोग्राम के बीच। इसको नए साइलेसॉरिड के रूप में, जो एक विलुप्त रेप्टाइल फैमिली का मेंबर है। ये छोटे जीव ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में रहते थे, तब पृथ्वी का तापमान काफी अधिक था। ब्राजील में मिला ये फॉसिल्स 237 मिलियन साल पुराना है, इसलिए ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि साइलेसॉरिड वाकई में डायनासोर फैमिली से थे या उनके पूर्वज। माना जाता है कि ये डायनासोर रेप्टाइल से विकसित हुए, जो 245 मिलियन साल पहले लेट ट्रायसिक एरा में रहते थे। इनको डायनासोरोमॉर्फ्स कहा जाता है, जो आर्कोसोरियन समूह के रेप्टाइल्स हैं। डायनासोरोमॉर्फ्स सच्चे डायनासोर नहीं थे, लेकिन ये डायनासोर की आदिम प्रजाति है, जिनमें डायनासोर्स की तरह ही आदिम विशेषताएं होती थी। जैसे आदिम डायनासोरोमॉर्फ्स की रीढ़ की हड्डी डायनासोर से काफी मिलती जुलती है। इसके अलावा कंधे की हड्डी, फीमर, टखना और पैर की उंगलियां, जो डायनासोर और टेरोसोरस से काफी मेल खाती हैं। डायनासोरोमॉर्फ्स की प्रजाति में एवोल्यूशनरी चेंजेस के बाद गोंडवाना पेरिसेंसिस अस्तित्व में आए, जो पहले डायनासोर के रूप में पहचाने जाते हैं। ये जीवाश्म इतना पुराना है कि ये समझने में मदद कर सकता है कि डायनासोर कैसे बने, डायनासोरस का विकास कैसे हुआ। इनका जीवाश्म एक चट्टान की परत से ढका हुआ था, जिसमें उसकी कशेरुकाओं की पहचान की गई। हालांकि इसके बाकी हिस्से स्पष्ट नहीं हुए, क्योंकि ये जीवाश्म 237 मिलियन साल पुराना था। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया कि ये पहले डायनासोर थे, और यहीं से डायनासोरस का विकसित रूप सामने आया। डायनासोरस ने लगभग 180 मिलियन साल तक इस धरती पर राज किया, और 6.6 करोड़ साल पहले, यानी 66 मिलियन साल पहले, एक मेजर मास एक्सटिंक्शन की वजह से लगभग 80% लाइफ इस धरती से समाप्त हो गई। इस तबाही का सबसे बड़ा कारण था एक विशाल एस्ट्रॉइड का टकराना, या फिर ज्वालामुखी गतिविधियां और समुद्री स्तर में बदलाव। और ये रहस्य हमेशा के लिए बन गया कि ये जीव दुनिया में पहली बार कैसे आए। आपको बता दें, जो एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया था, वो दूसरी दुनिया से आया था। जिस एस्ट्रॉइड ने धरती से डायनासोरस को खत्म किया, वो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था। और जब ये एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराया, तो इसका असर पूरी दुनिया में हुआ। लगभग 80% जीव जंतु और पेड़ पौधे समाप्त हो गए। ये नजारा एक प्रलय जैसा था। पूरी दुनिया में मलबा फैल गया, सुनामी, आग की लपटें फैली हुई थी। वैज्ञानिकों ने जब इस एस्ट्रॉइड के प्राचीन मलबे की स्टडी की, तो पता चला ये एस्ट्रॉइड कार्बोनेशियस था, यानी कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं मिलते। एस्ट्रॉइड की टक्कर के बाद क्रिटेशियस एरा समाप्त हो गया, और जहां पर यह एस्ट्रॉइड टकराया था, वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे चिक्सलूप क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर मौजूद है। इस कार्बन एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसके मलबे में ऐसे दुर्लभ पदार्थ मिल रहे हैं जो इस धरती पर नहीं पाए जाते, जिसमें इरिडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम मिल रहा है। ये सभी पदार्थ धरती पर बहुत दुर्लभ है, लेकिन किसी एस्ट्रॉइड के लिए कॉमन होते हैं। जब मलबे में मौजूद रुथेनियम की जांच की गई, तो इस धातु के 7 आइसोटोप्स मिले, जिनमें से 3 टक्कर से मिले मलबे में थे, जो इस बात की पुष्टि करते थे कि ये एस्ट्रॉइड हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था, वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया था। अब देखो, एस्ट्रॉइड 3 टाइप्स के होते हैं, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप, जिसमें सी टाइप एस्ट्रॉइड ज्यादातर मिट्टी से बने सिलिकेट और कार्बन युक्त चट्टान होते हैं। उनमें बर्फ, पानी और सौर मंडल को बनाने वाले पदार्थ मौजूद है। एस टाइप एस्ट्रॉइड में सिलिकेट के साथ निकिल, लोहे जैसे पदार्थ भी पाए जाते हैं। इनकी परत मेटल और चट्टान से बनी होती है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत कम मात्रा में आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। और एम टाइप एस्ट्रॉइड बहुत ही दुर्लभ धातुओं से भरे होते हैं,
जो हमारे सौरमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम सी टाइप एस्ट्रॉइड से मिलकर बना है। एच टाइप और एम टाइप हमारे सोलर सिस्टम में नहीं पाए जाते, और कुछ पाए जाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के नहीं है। ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आ गए। आमतौर पर ये एस्ट्रॉइड मार्स और जुपिटर के बीच बनी एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूमते रहते हैं, लेकिन 66 मिलियन साल पहले धरती से टकराने वाला एस्ट्रॉइड डायरेक्टली किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के पीछे से आया था। इस एस्ट्रॉइड की चौड़ाई 10 किलोमीटर थी और लगभग 25 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर पृथ्वी से टकरा गया। इस एस्ट्रॉइड की टक्कर में परमाणु से 10,000 गुना ज्यादा ऊर्जा निकली और कुछ ही मिनटों में कई 100 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अंतरिक्ष में फैल गई। इस एस्ट्रॉइड के टकराते ही पूरी धरती पर वैश्विक उथल पुथल होने लगी। समुद्र में सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट, वायुमंडल में अचानक से परिवर्तन हो गया और पूरी पृथ्वी पर सामूहिक विलुप्ति का कारण बन गया, और डायनासोर के साथ साथ पृथ्वी के 50% जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि और महासागर नष्ट हो गए। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।